नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमपी झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की तरफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमपी झारखंड न्यूज। जैसा कि आज सीएए और एनआरसी को लेकर पूरे भारतवर्ष में बंद का आह्वान किया गया था, तो आइए आज आपको लेकर चलेंगे हम रांची के प्रमुख चौक चौराहों सड़कों पर और जायजा लेंगे कि क्या कैसा रहा यहाँ रांची में बंद। सर, क्या तैयारी की गई प्रशासन की ओर से, कैसे लोग यहाँ पर, क्या असर रहा? तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रशासन की ओर से भी पूरी तैयारी की गई है। महिला प्रशासन को भी, थाना को भी रखा गया है, पुरुष भी हैं, ताकि किसी भी तरह की, अगर किसी भी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन अगर होता है तो उससे कैसे निपटा जाए, उसके लिए ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और आगे हम देखेंगे अगले चौक चौराहों पर कि कितना इसका बंद का असर। चलिए फिर हम देखते हैं यहाँ पर रांची में बंद का असर कितना रहा कितना नहीं रहा, वो खुद आप अनुमान लगा लीजिए हमारे साथ। चलिए आइए देखिए इस बंद के असर को। तो बिल्कुल जैसा कि हमारे संवाददाता आलोक ने कहा कि आइए हम चलते हैं, इस बंद का विजुअल देख रहे हैं और देखते हैं कि क्या है रांची में खास करके बंद का असर। आप लगातार देख रहे हैं प्रशासन की गश्ती और सड़कों की स्थिति और जवानों की पैनी नज़र हर एक मोमेंट पे। हमने कुछ लोगों से इस पे बात भी किया है, आइए हम कुछ लोगों से बातें करते हैं इस पे। कुछ लोग कुछ झंडे लेकर के आए थे बंदी कराने, क्या है ये झंडा आइए जानते हैं। आप लोग बंदी कराने निकले हैं आज? बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा पूरे देश भर में भारत बंद का आह्वान किया गया है और उसी के अंतर्गत यहाँ झारखंड की राजधानी रांची में भी भारत बंद जबरदस्त सफल है और उसका हम लोग सर्वे कर रहे हैं, कहीं पर कोई हिंसा न होने पाए, कोई अराजक तत्व तो हमारे आंदोलन को डिस्टर्ब ना करे। आम जनता के द्वारा जो है ये समर्थन बड़े पैमाने पर मिला हुआ है, लाखों संगठन के लोग और लाखों जो पीड़ित लोग हैं इसको समर्थन कर रहे हैं और जबरदस्त बंद इस झंडे के जो मायने हैं आप हमें बताएं। युवाओं के द्वारा, विद्यार्थी बेरोजगार के द्वारा हुई है और ये सिंधु घाटी से जो बैल का निशान देख रहे हैं ये सिंधु घाटी से लिया गया है। ये 24 तीलियों वाला भारत जो भारत का वो निशान तिरंगा हो गया। तिरंगा नहीं, इसमें पांच रंगा है, इसीलिए ये दिखाना चाह रहा था कि जो इसमें डिजाइन दिया गया है कहीं ना कहीं लोग समझ लेंगे कि तिरंगा है, लेकिन तिरंगा का जो डिजाइन दिया गया है वो गलत था। तो इनका कहना है कि ये तिरंगा नहीं है, ये हमारे संगठन का झंडा है। तो इन्होंने कहा कि ये हमारे संगठन का झंडा है, तो इसमें एक तिरंगा का झलक आ रहा था, इसलिए हमने इनसे क्वेश्चन किया था। तो चलिए वो तो बात की बात है। तो इस समय खदगरा बस स्टैंड का आप ये विजुअल देख पा रहे हैं, किस कदर लोग परेशान बेहाल नजर आए। हमने इनकी मजबूरियों को समझा, क्या कहा उन लोगों ने, आइए इनसे बात करते हैं। चौपारण जाने वाला गया, चौपारण जाने वाला कोई भी गाड़ी हो, हम लोग को तो चौपारण जाना है, शादी में जाना था, सुबह से 8-9 बजे से बैठे वो तो बस वही शादी में जाना था, इसके चलने हम लोग को अर्जेंट तो जाना था, बस नहीं मिल रहा था, अब शाम तक देखते वेट करके मिलता है तो जाएंगे। शादी बस आज ही शाम का है, नहीं अब नहीं जाएंगे। जैसे अभी से भी गाड़ी मिल जाता तो हम लोग पहुँच जाते थे टाइम से 7-8 बजे तक, तो हम लोग तो 8 बजे आए थे। खुटी हम लोग तो अभी क्या लग रहा है, ये बंदी सही है? बंदी सही नहीं है, बहुत परेशानी हो रहा है हम लोग को जाने में। एक तो 3 दिन का सफ़र करके आए हैं, उसके बाद वो बात की बात है, लेकिन खास तो अभी हम लोग 3 दिन सफ़र करके इतना दूर से आए हैं, हम लोग को तो घर जाना है सबसे पहले। कुछ नहीं खाए हैं, सवारी के कोई इंतजाम नहीं, कोई इंतजाम नहीं है। काफ़ी देर से गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं क्या आप? हाँ, विशाखापट्टनम से। विशाखापट्टनम से? ये बंदी के बारे में पता नहीं था आपको ना? नहीं। तो अभी आपने सुना इनको शादी में जाना था, तो क्या शादी अटेंड कर पाएंगे? तो आप देख सकते हैं लोगों की हाल, लोगों की स्थिति क्या है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। कम से कम काम नहीं है तो चलो गाड़ी साफ कर लेते हैं। तो और का गाड़ी धोना तो पड़ेगा ही। अच्छा, पिछले गाड़ी सफाई कर रहा है। गाड़ी बंद होने लगा तो नहीं है, नहीं चलना है। आप लोगों के लिए दिक्कत है तो अगर गाड़ी दिक्कत है तो बंदी है तो दिखते नहीं सबको, कैसे होगा? तनखे में खाएंगे, आज तनखा तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो अपना तो खाएंगे ना, तो दिक्कत है आप लोगों की बंदी को लेकर, इसलिए। अरे होटल खुला है, होटल भी तो बंद है ना, खाना भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, खाना भी नसीब नहीं होना, नहीं होना है, ये स्थिति आज बन गई। बहुत बड़ा हानि है, खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, सारा होटल बंद है, कहीं ना कहीं दिक्कत है, कहीं ना कहीं लगातार कल तक हम लोग क्या खाएंगे पिएंगे यहाँ। देखिए बंदी ऐसे नहीं करना चाहिए,
ये बंदी से कोई विशेष बेनिफिट है नहीं। अब रास्ते में रोक लिए कहे सवारी उतार दो तुम गाड़ी लेके जाओ, ऐसा भी हुआ जी हाँ। प्रशासन थी वहाँ खड़ी नहीं गाड़ी लेके जाओ तुम, तो चलाया ये लोहाटी में आज की बात। आज हम पुल जाम थी 4 घंटे, तो वहाँ जाम होने के कारण हम लेट हो गए, तो फिर अभी आ रहे थे तो एक रोका है अपोलो में आ रहा था लगा दे, तुमको पता नहीं है दुनिया जान बोल के छोड़ दिया जी, बाहर की गाड़ी है ठीक है जाने दो, यहाँ रोका तो कहा सवारी उतारो और फिर गाड़ी लेके स्टैंड तुम चले जाओ, फिर प्रशासन लोग थे वही लोग कहे कि नहीं लेकर के जाओ। हाँ नहीं तो नहीं पहुँच पाता, हाँ बहुत कुछ हो सकता। तो हम लगातार यहाँ के जो पैसेंजर बैठ के वेट कर रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं, तो ये बंदी का असर आपको खतगरा बस स्टैंड में जरूर दिख रहा होगा, हम और जगह का भी जल्द नहीं बताओ इसी के लिए तो यहाँ पे आए हैं खड़े हैं वेट कर रहे हैं। हर कोई परेशान नहीं है मोबाइल बनाने वाले कंपनी का कि कम से कम अकेलापन को महसूस नहीं होने देता है और व्यस्त रखता है। कुछ बुजुर्ग महिलाएं हमें देखी वो परेशान नजर आई सड़कों में, आइए उनसे बात करते हैं क्या इशू। हाँ हाँ हॉस्पिटल मदर को लेके इलाज करवाने, लेकिन यहाँ से कोई गाड़ी नहीं मिल रही अभी, एम्बुलेंस का भी सहारा नहीं है। नहीं एम्बुलेंस का भी सहारा नहीं है, अभी टेम्पो वाले को भी पूछा 2-3 आदमियों को तो उन्होंने मना कर दिया कि उधर नहीं जाएंगे। नहीं एम्बुलेंस को अभी कॉल नहीं किया है, अभी कॉल करेंगे, अभी एक्चुअली डाल्टनगंज से आ रहे हैं। हाँ बहुत परेशानी है सर, पता नहीं था। नहीं पता नहीं था, ट्रेन में पता चला, सही तो नहीं है सर। बंदी पता है ना? हाँ वो पता है, सही नहीं है। नहीं सही नहीं है, बंदी नहीं होनी चाहिए वैसे, नहीं परेशानी आम जनता को होती है ना सर। गाड़ी का इंतजार कर रही हैं जी, क्या लग रहा है लग तो रहा मिल जाएगा, मिल जाएगा। कहाँ जाना है आपको? हमको गौतम ग्रीन सिटी। तो ये बंदी के बारे में पता नहीं था? पता था सर, तो जरूरी है जो काम जाना है। हाँ हम अभी तो सर हॉस्पिटल का इतना चक्कर है कि हम कुछ पेपर भी नहीं पढ़ पाए ना टीवी देखे, इसलिए अभी तक आप समझ गए होंगे इस बंदी का असर क्या रहा रांची में, क्योंकि लोग बेहाल हैं, हर किसी को इस बंदी या कोई भी नियम कानून क्या निकलता है नहीं निकलता है अपने वो जिंदगी के वक्त से उसको वक्त नहीं मिलता, अपने जिंदगी में व्यस्त रहता है, क्या पता उसे कब बंदी है कब नया नियम कानून लगता है, उसे अपने जिंदगी को पड़ी है। प्रशासन लगातार हर चौक चौराहों से आपको आज हम विजुअल दिखाएंगे, रांची के एक एक जगहों से आज हम जहां तक हम पहुंचे हैं हम आपको आज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल बंदी का असर कितना है। हमने पहले ही कहा है कि हम ये आपके ऊपर डिसीजन छोड़ते हैं कि आप ही बताएं बंदी का शहर में कितना रहा खास करके असर, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी को लेकर के लोग हैं परेशान, किसी को खाने को नहीं मिल रहा है तो किसी को हॉस्पिटल जाने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। यहां आप देख सकते हैं कुछ बंद समर्थक निकले थे, चर्च कॉम्प्लेक्स का ये विजुअल है। हम यहां पे आइए अपने संवाददाता से जानते हैं कि क्या रहा यहां का चर्च कॉम्प्लेक्स का नजारा। और इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के चर्च कॉम्प्लेक्स में, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ सारी दुकानें अभी फिलहाल बंद कराया गया है बंद समर्थकों के द्वारा, धीरे धीरे कुछ दुकानें खुली हुई हैं कुछ बंद हैं, जो खुली हुई है उन्हें बंद समर्थकों द्वारा बंद करवाया जा रहा है। और मिला जुला असर पूरी रांची भर में देखने को मिला है इस भारत बंद का, तो चूँकि मेन रोड वाले इलाके में दुकानें तो बंद दिखी लेकिन कुछ शहर से थोड़े हटकर दुकानें सारी दुकानें लगभग खुली हुई हैं। और बात करें हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तो वो पूरी तरह बाधित है फिलहाल, चूँकि काटा टोली में हम लोगों ने जैसा कि देखा कि बसें जो है वो बिल्कुल नहीं चल रही है, जो बाहर से बसें आ रही थी बाहर शहर से उन लोगों को रोका गया बीच में, तो उन लोगों को काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है। और फिलहाल जिनके प्राइवेट वाहन देखा जाए तो लगा सभी लगभग चल ही रहे हैं, वैसा कुछ खास बंद देखने को असर नहीं मिला। हाँ लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए थोड़ी सी दिक्कत करने का सामना करना पड़ा है। और अभी जैसा कि आप देख सकते हैं उधर दिखाना चाहेंगे कि अभी भी रोड पर आवागमन बिल्कुल चालू सा है, वैसा कुछ खास इधर बंद का असर वैसा नहीं है। जिसके व्यक्तिगत कार्य हैं वो तो खैर हो ही रहे हैं, ये सामने मॉल है वो भी खुला हुआ है, चूँकि अभी बंद समर्थक यहाँ पर पहुँचे थे और यहाँ पर विरोध दर्ज कराकर चूँकि सारे दुकान खुले थे तो उन लोगों को बंद कराया गया है, उन लोग अपना समर्थन मांग रहे हैं विरोध के रूप में। तो CAA और NRC के खिलाफ जो ये भारत बंद है उसका मिला जुला असर रांची में भी देखने को यहाँ पर मिल मौजूद है रांची के सुजाता चौक में, और यहाँ CAA और NRC के जो विरोध में बंद बुलाया गया है उसका
कहीं से भी किसी तरह का कुछ खास असर देखने को नहीं मिल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्योंकि इस ओर आप देखेंगे तो इस ओर जो कुछ दुकानें हैं वो बंद जरूर दिखेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा दुकानें खुली हुई हैं। चूँकि कुछ खासा असर इधर बंद का नहीं दिखने को मिल रहा है फिलहाल। वाहनों की लंबी कतार आज भी है, रोज की तरह आज भी उसी तरह लोग अपने घर से निकले हैं। और आप जैसा कि देख सकते हैं इधर से बस का आवागमन, स्कूल भी खुली हुई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भले ही थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट को थोड़ा बंद कराया गया है बंद समर्थकों द्वारा। चूँकि आप इस ओर देखिए, अब इस ओर देख सकते हैं, इस ओर मेरे ओर जो है कि पूरा जाम लगा हुआ है। इस बंद के दौरान भी इतनी हुजूम लोगों की सड़कों पर है, तो मतलब साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस NRC और CAA के विरोध में जो लोग बंद का आह्वान किए थे वो कुछ खासा असर नहीं दिखने को मिला। चूँकि बंद समर्थक जहाँ तक अपने लोगों को बंद जबरन बंद जहाँ तक करवाए थे वो तो दुकानें बंद हो चुकी हैं, जैसा कि हमने अभी दिखाया था। चर्च कॉम्प्लेक्स में भी काफ़ी मात्रा में बंद समर्थक पहुँचे और जबरन जितने भी दुकानें थी उसको बंद की है। लेकिन यहाँ सुजाता चौक का जो नज़ारा है वो बिल्कुल उससे परे है, चूँकि काफ़ी भारी मात्रा में वाहन जो है वो सड़कों पर भी अपनी पूरी तरीके से मुस्तैद है। मेरे पीछे मैं दिखाना चाहूँगा कि प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी भी की गई है, जगह जगह पर प्रशासन के लोग मौजूद हैं ताकि किसी भी तरह के असामाजिक तत्व किसी तरह का हानि ना पहुँचा सके। इसलिए यहाँ पर प्रशासन की भी मुस्तैदी काफ़ी मात्रा में पूरे सड़क पर देखने को मिली है। तो अभी तक आपने रातू रोड, कचहरी चौक, मेन रोड, फिरायालाल, काली मंदिर तक का विजुअल देखा आपने। काली मंदिर से आगे हम बढ़ गए हैं, अब सियाता चौक का भी हमने आपको एक विजुअल दिखाया कि वहां पे सामान्य स्थिति आम दिन की तरह। ये रांची का पटेल चौक अभी आप देख सकते हैं, KFC वगैरह जितनी भी दुकानें यहाँ पे इक्का दुक्का को छोड़ करके सभी खुली दिखी। हम आ चुके हैं बहू बाजार, वहां का भी अभी आप विजुअल देख सकते हैं। अब हम नीचे लोअर चुटिया तरफ आ चुके हैं, यहाँ पे अभी आप देखें यहाँ पे भी नॉर्मल आए दिन की तरह सामान्य गतिविधियां। सड़कों की जी स्थिति थी, जो स्थिति थी, लोग डर से अपनी वाहनों को बहुत कम निकाले। तो हमने पहले भी कहा कि वाहनें सड़क पे कम दिखी, लेकिन यहां भी आप देख सकते हैं ई रिक्शा वगैरह का बहु बाजार में लाइन लगा हुआ था और लोग आना जाना कर रहे थे। अब हम आ चुके हैं रांची का कोकर एरिया, ये कोकर एरिया का विजुअल अभी आपको हम दिखा पा रहे हैं। तो यहां भी सामान्य गतिविधियां रोज की तरह। तो हमने एक ही बात कहा कि इस बंदी से किसी को फुर्सत नहीं है अपने जिंदगी से, कि ये बंदी कब है नहीं है, दिन भर क्या स्थिति रहा वो आपने देखा। लेकिन रात 8 बजे का ये रिपोर्ट है कि बाहर की गाड़ियां खदगरा बस स्टैंड से कोई नहीं निकली हैं, तो आप सोच सकते हैं जो बाहर से लोग आए हैं उनकी क्या स्थिति हुई होगी। आम आदमी की तरह हम अपने दिल से पूछें यदि हम कहीं फंसते हैं तो हमारी स्थिति क्या होगी। तो अपना ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। धन्यवाद।